बात है कर कर, कर। और एक देव कर दिए। मैं जानता हूं कि शहरों के नाम पर महाराष्ट्र में अनेक होते हैं और इसमें कर जोड़ देते हैं, और भविष्य में संभाजी कर मिलिंद जागीरदार जागीर की जहागीरदार। ये सुब्रमण्यम जैसे ही और मंच में उपस्थित माननीय इस महान संस्था के ट्रस्टीगण और नासिक के आदरणीय नागरिक, नासिक तो एक स्फूर्ति स्थान इसीलिए है कि यहाँ सावरकर पैदा हुए थे। और उनके त्याग के बारे तो सबको पता है, परंतु उनके साथ क्या अन्याय हुआ उसके बारे भी अब भविष्य में जब नए फाइल्स खुलेंगे तब बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के बाद मेरा प्रोजेक्ट है कि अमेरिका में और इंग्लैंड में जो आई विटनेस रिपोर्ट्स छपे थे उसके अनुसार गांधी के शरीर में 4 गोली थे। मर्डर ट्रायल में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 3 गोली थे शरीर में, और गोडसे ने अपने बयान में कहा कि मैंने संकल्प करके आया कि 2 से ज़्यादा गोली नहीं चलाऊंगा। तो ये फर्क क्यों हुआ? क्योंकि इसके कहने पर पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी महात्मा गांधी के शरीर पर नहीं हुई, और इस मिस्ट्री के पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो निकलने वाली है, उसके लिए आपको 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सावरकर को मैं प्रणाम करते हुए मैं अपनी वक्तव्य शुरू करता हूँ। उन्होंने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया था जब 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम पर उन्होंने पुस्तक लिखा है जिसको हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी रीडिंग करने की आवश्यकता है। गुदी जी भी कहेंगे ये इंटॉलरेंस है, बट ये आवश्यक इंटॉलरेंस है, इसीलिए क्योंकि अभी तक जो आपको पढ़ाई गई हमारे इतिहास के बारे, कल के बारे, आज के बारे, वो भविष्य में कल के बारे फिर होना नहीं चाहिए। इस दृष्टि से मैं अपने विचारों को रखना चाहता हूँ। हम तो 700-800 साल पहले और उससे पता नहीं कब हमारी इतिहास शुरू हुई, निश्चित तौर पर जो नक्षत्र हैं पुराण में जिसका जिक्र, उसके अनुसार महाभारत 5000 साल से ज़्यादा है, रामायण 7000 साल से ज़्यादा है, ऋग्वेद का तो कोई अंत ही नहीं है, और इसीलिए ये एक लंबा संस्कृति की देश है। यूनेस्को ने एक बार सारी संस्कृतियों का विवरण बनाई थी और उसमें गिनती में 46 संस्कृति उन्होंने उल्लेख किया, और इस 46 संस्कृतियों में उन्होंने देखा कि 45 गायब हो गए। ग्रीस चले गई, रोम चले गई, इजिप्ट की संस्कृति चले गई, मेसोपोटामिया, बेबिलियन, ईरान, ज़ोरोएस्ट्रियन की ईरान, सब संस्कृति समाप्त, उसके जगह में कुछ नई आई जिसका कोई संबंध नहीं है पहले संस्कृति से।
इस 40 में एक ही है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, अटूट है, लगातार चल रही है, वो है हिंदू संस्कृति हमारी देश। मैं इसको हिंदुस्तानी संस्कृति कहने के लिए तैयार हूं, यदि मुसलमान मान ले कि उनका पूर्वज हिंदू है, यदि वो कहे कि मेरा पूर्वज गोरी और गजनी है, तो फिर मैं कहूंगा हमारी देश हिंदू संस्कृति का देश है। पर तो मैंने देखा है कि मुल्लाओं को छोड़कर अधिकांश 95% मुस्लिम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि उनका पूर्वज हिंदू है। यदि वो स्वीकार करेंगे तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय एक समुदाय जो बन रही है ISIS के नाम से, उसका कभी हिस्सा नहीं बन सकते, वो हमारी परिवार के हिस्सा होंगे और इसीलिए वो हमारे अपने होंगे। हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति ये थी कि कोई भी हमारे देश में जुड़ता है उसको अपना मानते हैं। पारसी जिसको कहते हैं ज़ोरास्ट्रियन धर्म के अग्नि पुजारी, उनके बारे आजकल रिसर्च आ रही है कि वो पहले हिंदुस्तान से ही ईरान गए थे और फिर जब इस्लामिक प्रहार हुआ तो वो उनका मारकाट हुआ, तो इसीलिए वो दुनिया भर के कोने कोने में भागे और हिंदुस्तान भी आए और दुनिया में और जगह में जा गए, वो मिट गए। लेकिन हिंदुस्तान में हमारे शंकराचार्य द्वारका के और वहाँ के राजा जिनका नाम था जदा राणा, उन्होंने उनका स्वागत किया, उनके लिए मंदिर उनकी जो थी अग्नि मंदिर बना के दिया, उनको रहने के लिए दिया और सिर्फ 5 शर्त रखे थे जो आज जो पारसी हैं आज भी उसको मानते हैं। 1, वो पर्शियन नहीं बोलेंगे, गुजराती बोलेंगे, वो पर्शियन कपड़ा नहीं पहनेंगे, वो हिंदुस्तानी कपड़ा पहनेंगे, जरी साड़ी और जो कुर्ता है धोती है, और तीसरा कि वो अपने शस्त्र को सबको उतार देंगे, चौथा गाय माता को छुएंगे नहीं, और पांचवा कि जब उनकी विवाह होती है तो 3 संस्कृत श्लोक का उस पर जपेंगे, जिसको आज भी वो उनके विवाह में जपते हैं। तो इन 5 इसको के बाद इतने हिस्सा बन गए, आज सिर्फ 60,000 ही हैं, सिर्फ 60,000 पारसी हमारे देश में, परंतु देखिए हमारे कितने पद में बैठ चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के SH कापड़िया वो चीफ जस्टिस थे, हमारे कमांडर चीफ ऑफ द आर्मी मानेकशॉ थे, हमारे अटॉर्नी जनरल सोनी सोराब जी थे, एयरफोर्स के चीफ फाली मेजर थे, तो कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वो नहीं बैठे, और उनकी जो 60,000 के अनुपात में तो कई गुना उनको यहाँ हमारे देश में स्थान प्राप्त हुई। और कभी हमारे हिंदू समाज से इस पर कोई घृणा नहीं हुई कि इतने छोटे समुदाय को इतनी क्यों अनुपात में देना चाहिए, क्योंकि हम उनको अपना मानते हैं। और जब अंग्रेज छोड़कर जा रहा था, उन्होंने इन पारसियों को कहा कि आप बड़े छोटे समुदाय हैं, ये बड़ा समुद्र हिंदू धर्म जो है हिंदू समुदाय वो आपको खा जाएगा, इसीलिए जैसे एंग्लो इंडियन के लिए हमने रिजर्वेशन किया पार्लियामेंट में, आपके लिए भी हम करने के लिए तैयार हैं पार्लियामेंट में। तो पारसी की लोगों ने उनको जवाब दिया, 1,000 साल के लिए हिंदुओं ने हमारी देखभाल की, आपकी आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से यहूदी जूस जिसको कहते हैं, वो दुनिया में उनका मारकाट होते रहा, आखिर में इज़राइल बना। उनके लोग जब हमारे देश भाग के आए, उनको हमने स्वागत किया, उनको कोचीन में और बम्बई में उनको हमने उनकी सिनोगॉग जो उनकी मंदिर है उसको बना के दिया, और हमारे समाज में रहे। अभी एक जनरल जिनकी जो देहांत हुई थी जेकब, वो उसी समुदाय के थे, उन्होंने ही हमें बांग्लादेश के लिए, उन्होंने बांग्लादेश की जो मुक्ति हुई वो उनकी आखिर में जो उनकी योगदान है उसको अभी तक लिखा नहीं है। जब हमारी फौज ढाका की तरफ जा रही थी तब
रशिया के दबाव बहुत जबरदस्त आई इंदिरा गांधी पर कि अमेरिका के जहाज आ रही है, हम लोग आपको पूरा समर्थन नहीं कर सकेंगे, तो इसीलिए ढाका को मत कब्जा कर लिए, वहीं रुक जाइए जहाँ है। तो इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को कहा था कि इस जेकब को बोलो आगे ना बढ़े, और जेकब को पता लग गया कि ऐसा संदेश आ रहा है, तो उसने वो टेलीप्रिंटर में पानी डाल दी ताकि कोई मैसेज नहीं आ सकेगी। और ढाका की जो उन्होंने और नियाज को जो गिरफ्तार की वो उनकी योगदान थी, और पाकिस्तान का कंप्लेन क्या था, ये जानबूझकर इन्होंने जेकब को भेजा क्योंकि वो यहूदी थे और इसीलिए हमारी मुसलमान की भावना पर चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने जेकब भेजा। बाद में जेकब बीजेपी में शामिल हुए, हमारे गवर्नर बने, उनको सम्मानित करने की आवश्यकता है और होगा भी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब इजराइल बना तो उस समय इजराइल ने कहा दुनिया भर के सारे जो यहूदी हैं वो हमारे देश में वापस आ सकते हैं, तो हमारे देश से भी बहुत लोग गए। लेकिन जब इजराइल ने अपनी संविधान की प्रस्ताव पास की पार्लियामेंट में, पहला प्रस्ताव उन्होंने उसके बाद पास की, उसने क्या कहा उस प्रस्ताव में, धन्य हो भारत एकमात्र देश दुनिया में जहां हमारी की शोषण नहीं हुई हमारी यहूदियों की। और इसी हिंदू समाज को आज हमें टॉलरेंस का भाषण दे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा जिसका फायदा उठाया है हमारे हिंदू समाज की उदारता के लिए, उन्हीं वही हमें भाषण दे रहे हैं। ये हमारी संस्कृति थी, और ये नहीं कि हम तो लगभग 100% थे उस समय, और हमने सीरियन क्रिश्चियंस को आमंत्रित किया, अरब ट्रेडर्स भी जो केरल में आए थे उनको हमने आमंत्रित करके उनको बसाया। आक्रमण जब हमारे साथ हुई, पहले विदेश से आए हुए मुसलमान और बाद में विदेश से आए हुए क्रिश्चियन, इनकी जो हजार साल की जो हमारे ऊपर प्रहार हुई, उन्होंने भारत देश को कभी गुलाम नहीं कर सके, कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही थी, कहीं विजय हुआ जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के कारण सारा देश में एक विश्वास हुआ कि हम कर सकते हैं। और एक तो छोटे गलती के कारण, यदि उस समय अंग्रेज नहीं आते तो मुगल राज को समाप्त करके मराठा की राज दिल्ली में स्थापित होती, यह है सही किया। अंग्रेज हमें बचाने के लिए नहीं आए, अंग्रेज आए उन्होंने देखा कि मराठा की जो शक्ति बढ़ रही है, इसीलिए उन्होंने फिर अपने आप जो व्यापारी व्यापार करने के लिए उन्होंने शस्त्र उठाया था, और आखिर में फिर भी उनके विरुद्ध में लड़ते रहे। ये जो लड़ते रहे कि जो हमारी इतिहास से जो आज की इतिहास की पुस्तक में नहीं है और जिसको लिखने की आवश्यकता है, और सिर्फ शिवाजी ने लड़े, राणा प्रताप लड़े, हारे बट वो कभी झुके नहीं, आखिर में उनको घास की रोटी खानी पड़ी, घास को सूखा करके उसको पेस्ट करके चपाती बना के रहे जंगल में। तब उनके रिश्तेदार मान सिंह जयपुर का, जिसने समर्पण कर दिया था अकबर के सामने, वो आया था उससे बात करने के लिए, ये संदेश लेकर अकबर से। अकबर ने कहा राणा प्रताप को इसके जरिए कि आप अकबर को बादशाह मान लीजिए हिंदुस्तान के, और सारा जो आपकी संपत्ति है, आपकी महल है, सब सबको वापस कर देंगे। तो यही कहा मानसिंह ने, ये मान लो। तो उनका नहीं मानूंगा। तब उन्होंने कहा कि क्या जीवन भर घास की रोटी खाओगे, क्या मिलने वाला है तुम्हें इससे। तब उसने जवाब दिया, क्या मिलने वाला, भविष्य में माँ अपने बेटे के नाम राणा प्रताप रखेंगे पर तेरे नाम पर थूकेंगे, ये करने का काफी है। तो कहीं लड़े कहीं जीते, पर लड़ते रहे। तमिलनाडु में कट्टाबोम्मन को फांसी दी गई थी चौराहे में अंग्रेजों ने, परंतु उसका नाम आज भी चमकता है तमिलनाडु में। इसी प्रकार से रानी चेन्नम्मा कर्नाटक, बाद में रानी झांसी, यानी हमारे देश में कोने कोने में लड़े, कई जगहों में हम विजय भी हुए, जैसे शिवाजी का तो
बाल गंगाधर तिलक को मैं धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस नाम को दोबारा उज्जवल किया। अंग्रेज तो उसको दबाने में लगे हुए थे, उसको चिकन थीफ कहते थे, जवाहरलाल नेहरू भी कहता था चिकन थीफ, जवाहरलाल नेहरू चूहे थीफ था। तो अब ये इसकी जो लड़ने की जो थी, उसमें हमारे देश में जो सारे जो लोग लड़े उनका पूरा अभी तक विवरण किसी को पता भी नहीं है। आसाम में एक अहोम डायनेस्टी थी, लोग कहते हैं वो चाइनीज जैसे लगते हैं, वो चाइनीज नहीं, वो थाई है, थाईलैंड से आए, यहाँ हिंदू धर्म उन्होंने स्वीकार किया, हिंदू बने, फिर उन्होंने राजधानी स्थापित, एक राज्य स्थापित की। और जब मुगल आए, दो बार मुगल आए, एक बार औरंगजेब ने फौज भेजा, एक उसके बाद एक फौज आई, दोनों को ऐसी पिटाई की कि कभी मुगल को जो इरादा थी कि पार करके बर्मा जाकर के साउथ ईस्ट एशिया जाने की, वो इस्लाम की जो बढ़ती हुई जो लहर थी उसको उन्होंने रोका, और इसके बारे कोई जिक्र हमारे इतिहास में। विजयनगरम 300 साल चली हमारे देश में, और जितने जमीन उनके अधीन थी वो मुगलों से ज्यादा थी, और 300 साल चली हमारी हिस्ट्री बुक में उनका क्या जिक्र है। मुगल का एक एक अध्याय, एक एक चैप्टर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाहआलम, ये सारे हैं, लेकिन विजयनगरम के लिए छोटा सा पैराग्राफ है। वो है कि दक्षिण भारत में एक विजयनगरम साम्राज्य थी जिन्होंने हिंदू पुनरुत्थान की, नहीं है विजयनगरम तो कर्नाटक से शुरू होकर, बीजापुर से शुरू होकर आसाम बंगाल तक पहुंची थी, और 300 साल थी। अकबर से औरंगजेब कितना है, 150 साल, उसके लिए एक एक चैप्टर, लेकिन विजयनगरम का जिक्र नहीं है, अहोम डायनेस्टी का जिक्र नहीं है। गुलाबचंद जो कश्मीर की कब्जा की, तिब्बत की कब्जा की, जोरावर सिंह, इन सब का कोई जिक्र नहीं, महाराजा रंजीत सिंह कोई जिक्र नहीं, गुरु गोविंद सिंह कुछ जिक्र नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हम कल की बात करेंगे उसके पहले जो सही इतिहास है इसकी लिखने की आवश्यकता है, और लिखेंगे जरूर। मुझे एक स्टूडेंट था मेरा सऊदी अरेबिया का, जब मैं हार्वर्ड में पढ़ा रहा था, तो उसने एक दिन मुझे एक सवाल पूछा, जब क्लास हो गई थी मेरे साथ बाहर निकला, और कहा कि एक सवाल मुझे पूछना है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा मैंने यूनिवर्सिटी से, लोग कहते हैं कि ये सवाल आपसे पूछा जाए। मैंने कहा पूछो ना। तो उन्होंने कहा ये बताइए कि हिंदुस्तान में आज, इंडिया में, उन्होंने कहा टुडे इन इंडिया देर आर 80% हिंदूज, हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आती, क्यों नहीं क्यों संभव हो सकता 80% हिंदू हो, एक ज़माने में तो हम 100% थे। तब उसने कहा देखे हमारी इस्लामिक हिस्ट्री की जो ग्रंथ बन रही है सऊदी अरेबिया में, उसमें हम इस्लाम की जो हर जगह विजय हुई है उसकी जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे लिख रहे हैं, और हमने ये देखा कि जहाँ भी इस्लाम ने जाकर कब्जा करके सरकार बनाई, उस देश में हमने थोड़े समय में उसको 100% मुसलमान बना दिया। ईरान की कब्जा की, सारा वो ज़ोरास्ट्रियन को समाप्त किया और ईरान को मुसलमान देश बनाया। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया, बेबिलियन जो बगल में थी उसको नष्ट किया और एक देश बनाया दोनों को, वो इराक के नाम से, 100% मुसलमान। कितने साल में? सिर्फ 17 साल। ईरान 15 साल, इसके लिए 17 साल। इजिप्ट ने कब्जा की और हमने उसका 100% मुसलमान बना दी 21 साल में। क्रिश्चियंस ने यूरोप को 50 साल में 100% क्रिश्चियन बना दी, और हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमान, 200 साल क्रिश्चियन, और अभी भी आप 80% हिंदू है, इसके पीछे क्या? इसके पीछे यही है, लड़ते रहे कभी झुके नहीं। और इसीलिए 1947 में हम उस समय 80% प्लस थे, और 80% को अब इस 80% को कैसे
संगठित करें कि ताकि हमारी संस्कृति भविष्य में विलुप्त ना जाए। तो ये हमारी आज जो कल की जो जो संदेश है वो आज की। याद रख लीजिए, हमने सिर्फ आर्थिक दृष्टि से हम यानी कामयाबी या सफलता पाई नहीं। हम तो दुनिया के सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम के थे। कब तक थे? 1300 AD तक, माने आज से 700 साल तक पहले। आज से 700 साल पहले हम दुनिया के सबसे समृद्धशाली देश थे। इसके सबूत कहाँ हैं? चाइना से आए थे फासियन, युआन चांग, वास्को डा गामा पुर्तगाल से आए। ये सारे लोगों का जो लिखी हुई ग्रंथ है उसमें साफ लिखा है कि सबसे जो सबसे समृद्धशाली देश है वो हिंदुस्तान है, और दूसरे लोग कहीं नहीं थे हमारे मुकाबले। मैं जब हार्वर्ड में पढ़ रहा था तो वहाँ एक बड़ी सरोवर है, उसमें म्यूनसिपैलिटी ने एक सड़क लगाई थी तो वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा था, तो सब वॉक के लिए जाते। वहाँ एक साइन बोर्ड खड़ी थी, लगी हुई थी, उसमें लिखा था हियर स्टूड, यहाँ खड़ी थी एक फैक्ट्री जिसका नाम, एक कंपनी की फैक्ट्री जिसका नाम था ट्यूडर आइस कंपनी, और नीचे लिखा था ये ट्यूडर आइस कंपनी आइस यानी बर्फ बेचती थी हिंदुस्तान, इंडिया को वो ट्रेड करते थे मैसाचुसेट्स से। तो मैंने सोचा ये बड़ी विचित्र है, 1636 में बर्फ भेज रहे हैं हिंदुस्तान, ये कैसा हो सकता है। तो मैंने गूगल में देखा तो पुस्तक मिला, तो उसको मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया और पढ़ा, तो क्या निकला उसमें कि हर साल जहाज ले करके मैसाचुसेट्स से उस समय के जो अमेरिकन पॉपुलेशन थी वो भेजते थे, और वो कांचीपुरम तमिलनाडु में आकर डॉक करते थे और फिर सामान खरीदते थे, हमारी मिर्च मसाला, हमारे कपड़ा, हमारे जो भी कुछ उनके पास नहीं है वो खरीदते थे और उसको भर भर के वापस ले जाते थे, सोना में वो उसको पेमेंट करते थे। एक दिन कांचीपुरम का राजा माने वो चोला डायनेस्टी का था, वो भी एक बहुत बड़ा लंबा डायनेस्टी हमारी थी, वो 2000 साल चली। उस चोला का डायनेस्टी के राजा ने इनको बुलाया और पूछा कि इतने देर बार बार आप आते हैं तो संतुष्ट है ना? तो उन्होंने कहा बिल्कुल संतुष्ट है, एक ही बात पर दुख है। कहा क्या है दुख तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि हम खाली जहाज से आते हैं, यहाँ भर भर के ले जाते हैं, आप भी हमारे से कुछ खरीद लीजिए। तब उसने कहा मैं क्या खरीद सकता हूँ आपसे, यहाँ तो हिंदुस्तान में तो सब पैदा होती है, जो कौन सी चीज़ आप पैदा करते हैं जो नहीं कुछ भी आप सोचिए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तमिलनाडु में मैंने कभी बर्फ नहीं देखा, हिमालय में बर्फ है पर इसके लिए दूर जाना होता है, मैंने सुना कि आपके घर देश में बर्फ आकाश से गिरती है सर्दी में, तो यदि वो बर्फ लाएंगे तो मैं उसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो जब विंटर में वो सरोवर फ्रीज हो जाती थी तो सॉ डस्ट लगा करके फिर काट काट के उसको फिर सॉ डस्ट में भर के जहाज में रखकर 10,000 के मील की दूरी में वो आकर हमारे देश में आइस बेचते थे, और ये आइस 40 साल के लिए बेचा। ये था हाल अमेरिका का उस समय और ये था हाल हमारी इंडिया का। तो मैं आपसे कहता हूं कि फिर हम गिरे क्यों? हम गिरे अनेक कारण से, हमारी बीच में फूट थी वो भी एक कारण था, जैसे जयचंद ने अपने दामाद को उसने धोखा दे दिया, और भी इधर उधर की कहानी थे, पर मूल कारण शुरू में ये नहीं था, ये मोहम्मद गोरी ने बताया असली कारण। जीते तो निश्चित जो धोखा हुआ पृथ्वीराज चौहान का अपने जयचंद फादर इन लॉ से, उस कारण से तो हुआ, परंतु उन्होंने ये कहा कि असली कारण जीतने का ये था कि हमने आखिर में समझ लिया था कि ये हिंदुस्तान की संस्कृति, ये हिंदुस्तान के लोगों की संस्कृति क्या है। हमारे लोग कभी नहीं सूर्य उदय होने के पहले मैदान में जाते थे लड़ने के लिए, कभी बगीचा में या कृषि के जानवर वहाँ उस खेत में नहीं लड़ते थे। जहाँ जनता भरी हुई है जैसे शहर है, शहर में कभी लड़ाई